हेलो, इस वीडियो में हम बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया की डिस्कवरी की एंड देन उसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स, और फिर हम उसके मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, कैसे कोकस आपके बैसिलस स्पायरल शेप है ना। एंड देन हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि बैक्टीरिया में कैसे न्यूट्रिशन होता है, लिथोट्रॉफ, ऑर्गेनोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ है ना, कौन से लाइट एनर्जी को यूज़ करेंगे, कौन से केमिकल एनर्जी यूज़ करेंगे, कौन से ऑक्सीजनिक होंगे, कौन से एनारोबिक होंगे, तो उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे फिर हम इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि जो बैक्टीरिया है, सबसे पहले हम उसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। तो उसकी डिस्कवरी किसने की थी? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने 1683 में। ठीक है, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने 1683 में इसकी डिस्कवरी की थी, और उसने इन्हें क्या नाम दिया था? उसने इन्हें बैक्टीरिया नाम नहीं दिया, उसने इन्हें डिफाइन किया मैक्रोस्कोपिक एनिमल क्यूल्स, यानी मैक्रोस्कोपिक है जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे देखे जा सकते बहुत ही छोटे, एंड एनिमल क्यूल्स यानी एनिमल लाइक क्रीचर्स। ठीक है, ये आपके सब जगह मिल रहे थे उसे, सीवेज वाटर में, सलाइवा में, टूथ स्कम में, लीवर में, रेक में, सब जगह, बिकॉज बैक्टीरिया ओमनीपोटेंट है। ठीक है, और तो बैक्टीरिया टर्म फिर किसने दी? बैक्टीरिया टर्म 1829 में एरन बर्ग ने दी है। ठीक है, सो बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने करी? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने 1683 में, और उसने क्या कहा उन्हें? मैक्रोस्कोपिक एनिमल क्यूल्स उन्हें सब जगह मिल रहे थे, और एरन बर्ग ने टर्म कॉइन करी बैक्टीरिया 1829 में, एंड बिकॉज डिस्कवरी एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की है ना, तो इसलिए उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया है। ठीक है, और लेनियस ने उन्हें बैक्टीरिया को वर्मिस ग्रुप जीनस के अंदर रखा। ठीक है, बहुत टाइम तक किस तरह से क्लासिफाई करें, किस ग्रुप के अंदर रखें, तो ये भी बहुत चलता रहा, जैसे जैसे धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है ना, तो जाके उन्हें फिर प्रोकैरियोट्स में रखा गया। तो ठीक है, सो नागेली ने उन्हें स्काइजोमाइसिटीज के अंदर कैटेगराइज किया। लुईस पैशर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, और रॉबर्ट कोश ने कॉश पोस्टुलेट्स दिए कि कैसे एक स्पेसिफिक डिजीज किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो सकती है, एंड उन्होंने बैक्टीरिया को कल्चर भी किया। जॉन लिस्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है? ही इज नोन एज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। ठीक है, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, ही स्टार्टेड एंटीसेप्टिक सर्जरी, और इथेनॉल, कार्बोलिक एसिड वगैरह ऐसे यूज करके डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया था। तो उस सर्जरी के बाद फर्टिलिटी रेट कम हो गया। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन जो होते थे वो मरना पहले इन्फेक्शन हो जाता था उनमें, जो वूंड्स होते थे है ना, तो डिसइंफेक्टेंट करने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रहे ही नहीं, और फिर आपकी डिजीज़ भी नहीं हो पाई। ठीक है, तो आपकी फर्टिलिटी रेट घट गया उसमें। बात करते हैं हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया की। हम पहले इन्हें डिफाइन कैसे करेंगे? दीज आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वे होंगे जो जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा, उसकी जगह न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा जो यूकेरियोट्स में मिलता है। दूसरी बात, इनमें सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती, जैसे गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, जिनमें जो फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स होती हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ना, तो ये सब प्रेजेंट नहीं होती, बिकॉज दिस ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, सो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, हमें पता है बैक्टीरिया ओमनी प्रेजेंट है, तो सब पॉसिबल हैबिटेट्स में पाया जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होंगे, जैसे साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कुछ हेटरोट्रॉफ्स होंगे, हेटरोट्रॉफ्स में पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोबिक, पैरासाइटिक यानी होस्ट में रह के उससे न्यूट्रिशन ट्राइव करेंगे। ठीक है, सेप्रोबिक और डिजीज कॉजिंग में ज़्यादातर पैरासाइटिक ही होते हैं। सेप्रोबिक जो हैं आपके डेड एंड डिकिंग और जो ऑर्गेनिज्म होगा उस पर फीड करेंगे, एंजाइम्स क्रिएट करेंगे, तो उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे सिंपल सब्सटेंस में, एंड देन एब्जॉर्ब कर लेंगे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी क्या होता है कि ये एक लेट फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया और ये एक हायर ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल हम साइकस की बात करें, तो साइकस साइकस में सबने पढ़ा होगा कोरलॉइड रूट्स होती है, तो कोरलॉइड रूट्स क्या होती हैं? उन कोरलॉइड रूट्स के अंदर साइनो बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो हेल्प कर रहा है,
और जो प्लांट है वो उसे उसके प्रे से बचा रहा है साइकस को, है ना। अच्छा, अब हमने ये बात कही थी, एक बात खत्म सेलवॉल की, ठीक है। सेलवॉल जो होती है वो प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होंगे वहाँ, उसमें किसकी बनी होगी? मेनली पॉलीसेकेराइड्स की बनी होगी, पॉलीसेकेराइड्स की, ठीक है। और साथ में जो पॉलीसेकेराइड की पैरल लेयर्स होंगी ये किससे अटैच्ड होंगी? पेप्टाइड की चैन से अटैच्ड होंगी, ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड्स की लेयर है वो आपकी पेप्टाइड चैन से अटैच्ड होंगी, ये हम आगे डीप में स्टडी करेंगे। तो ये तो होता है आपका प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। जो आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स हो गए, प्लांट्स में किसकी होती है? सेलुलोज की बनी होती है सेलवॉल, ठीक है। और जो आपका फंजाई होता है उसके अंदर किसकी बनी होती है? फंजाई में आपके काइटिन की बनी होती है, ठीक है। इस काइटिन को जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें जो काइटिन की एक्सोस्केलेटन होता है उससे कन्फ्यूज मत करना, ठीक। तो देख रहे हैं हम कि सेलवॉल का कंपोजिशन डिफरेंट है ना, प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोट पॉलीसेकेराइड्स की और पेप्टाइड बॉन्ड्स की बनी है। फिर मैंने कहा था कि इसके अंदर, बिकॉज इट इज़ प्रोकैरियोटिक, तो इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगी, जैसे क्लोरोफिल हो, आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ना। सो लेट क्लोरोप्लास्ट नहीं है इसके अंदर, बट तभी फोटोसिंथेसिस का रेंज साइनोबैक्टीरिया हो गया। तो साइनोबैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होगा? वो उसकी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो फॉर्म्स फोटोसिंथेसिस करती होंगी, ठीक है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया भी एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल ही है, एंड बिकॉज वी नो बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक सो इट लैक्स ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्या प्रेजेंट होता है? मीजोसोम्स। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी इनफोल्डिंग्स होती हैं इस तरीके की, लेट ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, बैक्टीरिया की, उसके ऊपर सेल वॉल है, तो सेल मेम्ब्रेन में ये इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क करती हैं, उसके फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, जैसे रेस्पायरेशन हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। और राइबोसोम्स की बात करेंगे, ठीक है। राइबोसोम्स 70S टाइप होता है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में 80S टाइप होता है, हमें पता है। अगर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो एसेक्सुअल मेथड्स भी होते हैं और सेक्सुअल मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल मेथड्स भी होते हैं, एसेक्सुअल मेथड्स की अगर हम बात करेंगे तो एसेक्सुअल मेथड्स में आपके 5 टाइप्स आ जाते हैं। बाइनरी फिशन आ जाता है आपका, आपका एंडोस्पोर फॉर्मेशन आ जाता है, आपका क्या कहते हैं फ्रेगमेंटेशन आ जाता है, सिस्ट फॉर्मेशन आ जाती है, और बडिंग आ जाती है, ठीक है। हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसे, और बिकॉज हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं तो छोटी छोटी सारी बात बतानी है यहाँ पे, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका 3 मेथड से होता है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी करके, सेक्सुअल मेथड मतलब रेप्लिकेशन एबसेंट होता है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब? एक्चुअली जो सेक्सुअल मेथड होता है उसमें हमें पता है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बट यहाँ पे कहीं गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा प्रोकैरियोटिक है, यहाँ पे क्या गैमेट का फॉर्मेशन होगा? बट जिस तरह से गैमेट का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, उसका रिकॉम्बिनेशन होता है, हमें पता है कि गैमेट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिकम्बाइन करेगा, है ना, रिकॉम्बिनेशन होगा वहाँ पे गैमेट्स की फॉर्म में, तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बट यहाँ पे भी आपका गैमेट्स का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और किन 3 प्रोसेसेस से हो रहा है? तो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लैजला, फ्लैजला प्रेजेंट हो, कुछ जो मोटाइल बैक्टीरिया होंगे फ्लैजला को पजेस करेंगे, जिनमें नहीं होगा वो पजेस नहीं करेंगे, ठीक है। फ्लैजला क्या प्रोवाइड कर रही है? मोटिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। जो अब ये इंपॉर्टेंट है, कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो अब तक पढ़ते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजला जिसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है ना फिब्रिल्स का, सेंटर में 2 है और वो शीथ से भी कवर्ड है, ठीक है, विद आउटर शीथ प्रेजेंट है, वहाँ पे 9 है, तो उनमें से डायनिन आर्म्स भी निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये स्ट्रक्चर आपका यूकैरियोटिक फ्लैजला का है, तो ये यहाँ एब्सेंट होता है। यहाँ पे आपको कैसा क्या स्ट्रक्चर होता है? आपका फ्लैजलिन प्रोटीन के 8 पैरेलल स्ट्रैंड्स होंगे जो हेलिकली अरेंज्ड होंगे, ठीक है। तो वो हेलिकली अरेंज्ड होंगे आपका, और ठीक है, फ्लैजलिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हेलिकली आपके 8 पैरेलल चेन्स में अरेंज्ड होंगे, और यही आपका स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये काफ़ी स्मॉल भी होता है यूकैरियोटिक फ्लैजला के कंपैरिजन में, ठीक है। एक तो हमने अपेंडेज की बात कर ली, जैसे आपका फ्लैजला हो गया, ठीक है। एक और आपका साइटोप्लाज्म के आपके अपेंडेजेस की फॉर्म में होते हैं, जो सेल से बाहर प्रोट्रूड आउट कर रहे हैं, जिसे वो होते हैं पिलाए, पिलाए कह दो इन्हें, फिमरे कह दो, ठीक है। तो ये बने होते हैं आपको फिब्रिलिन प्रोटीन से, या फिर कहते हैं पिलिन प्रोटीन से, दोनों एक ही बात है,
ठीक है, ऐसी प्लाय और फिम्ब्रे टर्म भी इंटरचेंजली यूज कर सकते हैं, और फिम्ब्रे और ठीक है, तो प्लाय आपके साथ पिलिन प्रोटीन से बना है, जब फिम्ब्रे क्या है तो फिम्ब्रिलिन प्रोटीन से बना है, एक ही बात है। फिर हम कहने की ये क्या है, साइटोप्लाज्म के अपेंडेजेस हैं, ठीक है, तो बाहर जैसे ना अपेंडेजेस हमारे भी जो हाथ होते हैं वो अपेंडेजेस है, हमारे जो लोअर लिम्स हैं वो अपेंडेजेस हैं, ठीक है, तो ये भी आपके क्या है उभार जो प्रोट्रूड आउट कर रहे हैं अपेंडेजेस हैं, एंड इनके भी फंक्शन होते हैं अटैचमेंट वगैरह, अटैचमेंट फंक्शन होता है इनका, ठीक है, और इन पे बैक्टेरोफेज आकर एज अ रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं बैक्टेरोफेज के लिए, तो हम सब डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। अब बात करते हैं कि अच्छा हमने एक चीज़ पढ़ी होगी ग्राम स्थिनिंग टेक्निक अर्ली क्लासेस में भी, तो ग्राम स्थिनिंग टेक्निक के बेसिस पे हमें पता है कि हमने बैक्टीरिया को दो में डिवाइड किया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना। तो सबसे पहले हमें समझने के लिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है हमें समझना होगा, ये टेक्निक क्या है। तो एक जो ग्राम स्निंग टेक्निक है कृष्ण ग्राम ने दी थी 1884 में दी थी आई थिंक, है ना, 1884 में, हाँ 1884 में कृष्ण ग्राम ने टेक्निक दी थी। और इस टेक्निक के अंदर क्या था कि हमने दो प्लेट्स ली हैं, ठीक है, हमने दो स्मेयर्स ली, हमने फिक्स किया, अब उस पर हमने बैक्टीरिया डाल दिया, रख दिया हमने, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि कौन सा बैक्टीरिया है ना, अभी कोई ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कोई कंसेप्ट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले क्रिस्टल वॉलेट डाला, क्रिस्टल वॉलेट कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले उसके ऊपर डाला, तो क्रिस्टल वॉलेट कॉम्प्लेक्स डालने से क्या हुआ कि दोनों ही पर्पल कलर के हो गए, ठीक है, बोथ गेट्स पर्पल कलर कलर, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, दूसरी चीज़ हमने डाली ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन। अब उस ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन में क्या होगा, ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन में आपका जो पोटेशियम आयोडाइड है और आयोडीन है उसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसे ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन कह रहे हैं, तो वो हमने पोर किया इसके ऊपर सेकंड, तो ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन पोर किया। तो ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन पोर करने पर क्या हुआ कि ये जो क्रिस्टल वॉलेट का कॉम्प्लेक्स था और ये क्रिस्टल वॉलेट कलर जो था, ठीक है, और ग्राम आयोडीन था, इन्होंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, तो साइज लार्ज हो गया, हमने इनके जो मॉलिक्यूल्स था उसका साइज लार्ज कर दिया। अब क्या होगा कि जब हमने तीसरा क्या डाला, हमने एजेंट जो है वो डाला हमने अल्कोहल, तो अल्कोहल क्या है, डीकलराइजिंग एजेंट है, तो अल्कोहल डालने पर क्या हुआ कि एक जो बैक्टीरियल स्मियर थी उसने तो पर्पल कलर को रिटेन किया, बट एक जो था वो आपका कलरलेस हो गया, ठीक है, पहले तो उसने उसने भी पर्पल कलर कर रखा था, लेट्स ब्लैक से शो कर देता है, ठीक है, तो इसने लूज कर दिया और इसने रिटेन किया स्टेन को, ठीक है। तो फिर हमने एक और चीज़ क्या डाली, जब हम अब हमें आइडेंटिफाई करना था तो हमने सेफ्रोनिन और डाल दिया, सेफ्रोनिन, तो सेफ्रोनिन से क्या हुआ, ये आपका काउंटर स्टेन होकर रेड या पिंक कह दें, ठीक है, तो रेड या पिंक हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस था ग्राम स्टेन का, कृष्ण ग्राम ने दिया था 1884 में, फर्स्ट हमने क्रिस्टल वॉलेट, और ऑर्डर में याद रखना क्रिस्टल वॉलेट सबसे पहले, सेकंड हमने ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन जो आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड से बना है, देन हमने इस ये डालने से क्या हुआ, उससे तो वॉलेट कलर आया दोनों में, ये डालने से क्या हुआ कि वो जो वॉलेट कलर था और आयोडीन ने लार्ज कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है, तो लार्ज साइज होगा तो बाहर निकलना सेल वॉल से मुश्किल होगा, है ना, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स का लार्ज किया जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। अभी हम उसका कंसेप्ट समझेंगे क्यों हम साइज की बात कर रहे हैं। तीसरा हमने क्या किया, अल्कोहल डाला, अल्कोहल डालने से क्या हुआ कि एक ने तो आप पर्पल कलर को रिटेन कर लिया बट दूसरे ने लूज कर दिया, जिसने लूज कर दिया उसे हमने कहा ग्राम नेगेटिव और जिसने रिटेन किया उसे हमने कहा ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। और तीसरा चौथा हमने क्या डाला, सेफ्रोनिन डाला, सेफ्रोनिन से वो काउंटर स्टेन्ड हो गया, काउंटर स्टेन यानी जो ये कलरलेस हो गया था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो हमने वापस से रेड या पिंक कलर में कलर्ड कर दिया, ठीक है। अब ऐसा क्यों, ये बिहेवियर क्यों देखने को मिला हमें, जिसके बेसिस पर उन्होंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफाइन किया है, ठीक है, तो इसके जो दो दो एक्सप्लेनेशन है वो बताते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इसका जो मेन आपका कंसेप्ट है वो क्या है, सेल वॉल का कंसेप्ट, इसका जो मेन कंसेप्ट है वो सेल वॉल का कंसेप्ट है कि जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है, ठीक है, उसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स काफ़ी लेयर्स में होंगे, मल्टीपल लेयर्स में, मल्टीपल लेयर्स में, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर जो लिपिड कंटेंट होगा वो ट्रेसिस में होगा, यानी बहुत कम होगा, जबकि जो ग्राम
जबकि जो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल होगी, ठीक है, उसके अंदर जो पॉलीसेकराइड होगा वो आपका सिर्फ 5 से 10% होगा, तो सिर्फ एक ही लेयर होगी। तो इस वजह से जो सेल वॉल होती है वो थिक नहीं होती ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। और इसके अंदर लिपिड जो होगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है, अप टू 30% हो सकता है, 30 से 40%। एंड इसमें जो सेल वॉल होती है उसके आउटर एक लिपोपॉलीसेकराइड की लेयर होती है, आउटर लिपोपॉलीसेकराइड की लेयर होती है, ठीक है। तो और भी डिफरेंस होते हैं, जैसे टीकोइक एसिड प्रेजेंट होता है इसके अंदर, एक टीकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या हो, ये डिफरेंस हमें समझना जरूरी थे। अब हम इस डिफरेंस के बेसिस पे बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है, ठीक। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसने स्टेन को लूज क्यों कर दिया, हमने अभी पढ़ा है ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया उसके सेल वॉल में लिपिड कंटेंट ज़्यादा है। तो हमारे एल्कोहल के सब सही था, हमने क्रिस्टल वॉलेट कलर डाला, दोनों वॉलेट हो गए। हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला उसे कॉम्प्लेक्स को लार्ज करने के लिए, क्रिस्टल वॉलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए। अब डिफरेंस कब आया, जब हमने एल्कोहल डाला, तो वहाँ से डिफरेंस देखते हैं। जब हमने एल्कोहल से ट्रीट किया तो क्या हुआ कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था उसके अंदर लिपिड ज़्यादा था, तो लिपिड एक्सट्रैक्ट आउट हो गया, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड सेल वॉल से एक्सट्रैक्ट आउट हो गया, तो जो पोर्स हैं वो बड़े बड़े पोर्स बन गए, बिकॉज जहाँ पर लिपिड भरा था वहाँ पर पोर्स बन गए। अब पोर्स बनने से क्या हुआ, जो क्रिस्टल वॉलेट का कलर हमने डाला था, ठीक है, वो अब बाहर आ जाएगा, तो ये रीज़न है कि वो एक्सट्रैक्ट आउट हो गया। जबकि जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में लिपिड बहुत कम है, ठीक है, लिपिड कम है तो कहने की वाटर ज़्यादा है। तो क्या हुआ आपका कि जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, वहाँ पे बिल्कुल अपोजिट एक्शन होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एल्कोहल डालने पर उसके पोर्स का साइज रिड्यूस हो गया, बिकॉज डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है, एल्कोहल डालने पर तो पोर्स का साइज रिड्यूस हो गया, तो जो कॉम्प्लेक्स था अब वो बाहर नहीं, एक्सट्रैक्ट आउट नहीं हो पा रहा है। तो एक डिफरेंस तो ये हुआ आपका, तो इसलिए जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था वो डिकलराइज हो गया। और फिर हमने जो फोर्थ मेथड यूज़ किया सेफ्रोनिन से, उसे ताकि पहचानने के लिए, ठीक है, हमने सेफ्रोनिन से काउंटर स्टेन कर दिया। अब दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो क्यों लूज नहीं किया उसने अपना स्टेन, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसने क्यों लूज कर दिया स्टेन, बिकॉज पॉलीसेकेराइड्स की वजह से। एक तो एक्सप्लेनेशन आपका लिपिड की वजह से है, ठीक है सारा सेल वॉल के ऊपर बेस्ड ही, सेल वॉल ही रीजन है, उसके बेसिस पर ही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस किया गया। अब क्या बात है सेकेंड एक्सप्लेनेशन की, जो पॉलीसेकेराइड्स हमें पता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में काफ़ी लेयर्स में प्रेजेंट है, ठीक है, और उन पॉलीसेकेराइड्स की जो मल्टीपल लेयर्स हैं, हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे, उनके बीच क्रॉस लिंकिंग जो है, टेट्रापेप्टाइड्स चेन जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बहुत चेन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस क्रॉस लिंकिंग की वजह से इसके बीच में पोर्स कम है, ठीक है, जबकि जो आपकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वहाँ पे जो पॉलीसेकेराइड्स की चेन है, ठीक है, उसके बीच में क्रॉस लिंकिंग कम है, तो इस वजह से क्या वो ज़्यादा पोरस रहेगी, और जो पोरस रहेगी उसमें से आपका क्रिस्टल वॉलेट कॉम्प्लेक्स एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट्स व्हाई गेट्स डिक्लेराइजेस, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो आपका स्किन को रिटेन कर जाता है, ठीक है। तो यही आपका एक सिंपल इसका फंडा है। और ये सारी बात इसके अंदर लिखी है। अब हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, थोड़े से डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमें पता है सेल वॉल थिक होगी, सेल वॉल थिक क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो काफ़ी लेयर्स में प्रेजेंट है, और लिपिड सिर्फ ट्रेसिस में होंगे, ठीक है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्ट और जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, मल्टीपल लेयर्स, उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग जो होगी टेट्रापेप्टाइड्स की बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो टिकोइक एसिड है इसके सेल वॉल में, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होगा ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की, तो हम इसका भी आगे फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट है, और ये बाकी ये सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं है, म्यूरेमिक एसिड, बट ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होता है, ग्राम नेगेटिव में कम होता है। अब देख लेते हैं ग्राम नेगेटिव, तो इसमें पता है हमें सेल वॉल थिन होगी क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन से 5 से 10% होता है, एक ही सिंगल लेयर होती है, और लिपिड अप टू 20 से 30% हो सकते हैं, ठीक है। और जो अभी पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर है उसके बीच में जो आपकी आपकी ये होगी क्या कहते हैं पेप्टाइड लिंकेजेस होंगी वो कम होती हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पर हमने बताया कि पोरिसिटी बढ़ सकती है। और बाकी टिकोइक एसिड तो बिल्कुल एबसेंट होता है, और म्यूरेमिक एसिड सेल के अंदर प्रेजेंट होगा और लेस अमाउंट में होगा। तो ये आपके सर्टेन डिफरेंसेस थे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। एंड
फिर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, बैक्टीरिया की, ठीक है, बाहर से जो शेप्स हैं इनकी, एक्सटर्नल फीचर्स इसके, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जनरली हम पहले बात करते हैं उसकी लेंथ की, जो का जो बैक्टीरिया होता है जनरली उसकी लेंथ क्या होती है, 2 to 5 माइक्रोमीटर जनरल लेंथ है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि ये सिर्फ 2 से लेकर 5 तक ही होगी, बट ऐसा नहीं होता। तो हम बात करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट की, जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डिस्कवर किया गया अब तक, वो है पिलोपिस्किम स्पीशीज, यानी वो सॉरी गलत बोल गया मैं, डायलेस्टर न्यूमोसिंटिस, ठीक है, डायलेस्टर न्यूमोसिंटिस। इसमें क्या है आपका कि ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो देखो जनरली आपके 2 to 5 माइक्रोमीटर की रेंज में प्रेजेंट होता है लेंथ, बट इनकी जो लेंथ है मतलब ये इनका साइज कितना है आपका, 0.15 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर, तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है, सबसे छोटे जो नॉन बैक्टीरिया हैं हमें अब तक। अगर हम लार्जेस्ट नॉन बैक्टीरियम की बात करें तो वह है पिलोपिस्किम स्पीशीज, जिसकी जो कितनी लेंथ है, 0.3 mm तक लेंथ है, बताओ 0.3 mm लेंथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं शेप्स की, तो इट कैन बी, अभी आपके सवाल शेप्स बता रखी है, दे कैन बी राउंडेड, राउंडेड को हम टेक्निकल भाषा में तो कॉकस, ठीक है, स्फेरिकल शेप्ड होगा, रॉड शेप्ड हो सकता है, एलोंगेटेड सेल हो सकता है, रॉड लाइक, ठीक है, उसे हम बेसिलस कह रहे हैं। स्पाइरल में हमें दो पढ़ेंगे, एक तो विब्रॉइड पढ़ेंगे, एक हेलिकल पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये हेलिकल इसके अंदर ही आता है, स्पाइरल फॉर्म्स के अंदर, अब हम इसका डिफरेंस देखेंगे। अदर फॉर्म्स में आकर प्लियोमॉर्फिक फॉर्म्स आ गया, प्लियोमॉर्फिक फॉर्म्स होता है कि ये जो बैक्टीरिया होंगे सेवरल शेप्स अक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक से शेप पर फिक्स नहीं होंगे। और ट्राइकॉम की बात करेंगे, पलिसेड ट्राइकॉम में चेन्स बनी होंगी, पलिसेड में की बात करेंगे, हाइफे की बात करेंगे, इसमें फिलामेंटस हाइफे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले राउंड और कोकस फॉर्म, जो राउंड कोकस फॉर्म है, और ये बता भी रखा है, जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होंगे वो राउंडेड होंगे, बिकॉज सबसे कॉम्पैक्ट शेप आपकी एक स्फेयर है ना, तो उनमें आपका आ गया माइक्रोकोकस। जब कोई कोकाई जो होगा, कोई स्फेरिकल बैक्टीरिया जो होगा, वो सिंगली सिंगल अकर करेगा। डिप्लोकोकस जब भी पेयर्स में अकर करेंगे, स्टेफिलोकोकस, पहले स्ट्रेप्टोकोकस की बात करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस जब ये चैन्स में होंगे, व्हेन कोकाइज आर प्रेजेंट इन चैन, और स्टेफिलोकोकस जब ये आपका एक बंच में प्रेजेंट होंगे, ग्रेप्स के बंच में, ठीक है, तब होंगे स्टेफिलोकोकस, ठीक। सो व्हेन कोकस फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स। टेट्राकोकस की बात करेंगे, टेट्राकोकस टेट्राड कंडीशन में अकर करते हैं, जैसे टेट्राड होगा, ठीक है, टेट्राड होगा। और फिर आता है आपका सार्कीने, सार्कीने लाइक ट्यूब, तो आप जैसे इवन इसके अंदर शो कर रखा है हमने, तो कोकस फॉर्म्स ये रही, डिप्लोकोकस पेयर्स में, ठीक है, एंड ये आपका कैप्सुलेटेड भी हो सकता है, आपका स्ट्रेप्टोकोकस चैन्स में कोकाइज प्रेजेंट है, ये आपका एक आपके बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, टेट्राड में आपके टेट्राड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और सार्किनी में देखो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना ये रहा क्यूब, तो इसके अंदर 8 to 64 या फिर उससे भी ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स सार्किनी में, व्हेन कोकस अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स, ठीक। अब बात करते हैं रोड शेप बैक्टीरिया की, रोड शेप बैक्टीरिया फिर कहीं बैसिलस, तो उसमें हो सकता है मोनो बैसिलस, यानी से एक सिंगल एलोंगेटेड सेल होगा, डिप्लो बैसिलस जो सिंगल एलोंगेटेड सेल होगा वो पेयर में अकर करेगा, स्ट्रेप्टो बैसिलस सिंगल एलोंगेटेड सेल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ चेन, कोको बैसिलस देखो यहाँ पे कहेंगे हम, यार ये तो कोकस है तो स्फेरिकल की तरफ बता रहा है, और ये है आपका रॉड शेप्ड बैसिलस बता रहा है, तो इनके बीच का एक होगा, यानी ओवल सेल्स होंगे, ठीक है, ना वे स्फेरिकल है ना वे रॉड शेप्ड है, तो ओवल सेल्स होंगे लाइक कोकाई, सो कोको बैसिलस ओवल सेल्स लुकिंग लाइक कोकाई आर कोको बैसिलाई, ये आपके फिगर में शो हो रहे हैं, कोको बैसिलस ओवल सेल्स हैं, मोनो बैसिलस डिप्लो बैसिलस स्ट्रेप्टो बैसिलस, ठीक है। पैलिसेड में देखो यहाँ पे क्या है, ये भी कई सारे सेल्स हैं है ना चैन में, बट इनके बीच का जो एरिया ऑफ अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पैलिसेड में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पाइरलाई फॉर्म्स की, स्पाइरल में हम दो बताई हैं, हेलिकल और विब्रॉइड। अब विब्रॉइड में क्या है कि जो ट्विस्ट करता है ऐसे है ना, एक तो सीधा सेल है लाइक लाइक अ कोकस, ठीक है, बट हम मान लेते हैं इसके अंदर ट्विस्ट आ रहा है, तो ये यहाँ पे शो तो नहीं कर सकते बिकॉज ये 2D है ना, तो आप समझ जाओ कि ट्विस्ट कर रही है ये यहाँ पे जाके, ठीक
तो ये जो ट्विस्ट है कंप्लीट ट्विस्ट नहीं है, ठीक है। अगर एक कंप्लीट ट्विस्ट नहीं होगा बैक्टीरियल सेल्स में, तो हम उसे कहेंगे विब्रॉइड शेप है, फिब्रॉइड नहीं, विब्रॉइड शेप है, ठीक है। इफ बैक्टीरियल सेल्स हैव लेस देन वन कंप्लीट ट्विस्ट इट फॉर्म्स विब्रॉइड शेप, जैसे विब्रियो कोलरा, जैसे ये रहा, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे है विब्रो कोलरा। बट अगर ट्विस्ट एक से ज्यादा होगा, है ना, लाइक डीएनए, डीएनए में पता है कई सारे ट्विस्ट हैं उसके अंदर, है ना, ये ऐसे पीछे जा रहा है घूम के, ठीक है, फिर आगे की तरफ आएगा इंटीरियर, ठीक है। तो ये कई सारे ट्विस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसा स्पायरलम में होता है, इफ द बैक्टीरियल सेल्स हैव मोर देन वन ट्विस्ट इट फॉर्म्स अ डिस्टिंक्ट हेलिकल शेप लाइक अ डीएनए। तो स्पायरलम उसका एग्जाम्पल है, और अदर फॉर्म्स की बात करेंगे जैसे प्लियोमॉर्फिक, ट्राइकॉम, पैलिसेड, हाइफेड। प्लियोमॉर्फिक की बात करता हूँ, जो प्लियोमॉर्फिक फॉर्म्स है, प्लियोमॉर्फिक फॉर्म्स में क्या होगा, वो बैक्टीरिया काफ़ी तरह की शेप्स एज्यूम करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, ये नहीं होगा सिर्फ रॉड शेप्ड होगा, ये नहीं होगा सिर्फ कोकस रहेंगे, है ना, ये नहीं होगा सिर्फ स्पायरल रहेंगे, तो इंटरचेंज कर सकते हैं, दे कैन एज्यूम सेवरल शेप्स, जैसे राइट आपका राइजोबियम एंड माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ट्राइकॉम की बात करेंगे, जो सेल्स हैं वे आपकी चैन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और उनके उन चैन्स की बीच का जो कांटेक्ट है वो काफ़ी, जो एडजेसेंट सेल्स होंगे, ठीक है, उनके बीच का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। वो जैसे आपका बैग्योटा स्पीशीज हो गई। फिर बात करते हैं पैलिसेड की, ये बिल्कुल साइड बाय साइड अरेंज, जैसे हमने फिगर में शो किया था, लाइक अ मैच स्टिक अपीयरेंस, बिल्कुल साइड बाय साइड, सो बैक्टीरियल सेल्स आर अरेंज साइड बाय साइड टू फॉर्म अ मैच स्टिक लाइक अपीयरेंस, फॉर एग्जाम्पल कोरियन बैक्टीरियम, पैलिसेड। हाइफे की बात करते हैं, हाइफे में क्या है हमें पता है, हाइफे क्या होता है, आपके मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड फिलामेंट्स होते हैं, उन्हें हाइफे कहते हैं, ठीक है। फिलामेंट ने एक धागा, धागे के रूप में होंगे, मल्टी काफी सारे सेल से बना हुआ होगा फिलामेंट, ठीक है। इट इज अ मल्टी सेलुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट कॉल्ड हाइफे, और जब हाइफे ब्रांच्ड हो जाते हैं, ब्रांचिंग शो करते हैं बहुत सारे हाइफे, उसे कहते हैं माइसीलियम, माइसीलियम स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। बात करते हैं आपकी जो मॉर्फोलॉजी है वो कंप्लीट हुई, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो क्लासिफिकेशन हमने अभी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे किया, अब हम न्यूट्रिशन के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि न्यूट्रिशन है क्या, ठीक है, हम बहुत बार टर्म यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो न्यूट्रिशन उन सब्सटेंसेस को यूज करना है, ऐसे सब्सटेंसेस को यूज करना, ठीक है, जो हमारी बॉडी में बायोसिंथेसिस करें, जो हमारे साथ सारे प्रोटीन्स फॉर्म हो रहे हैं, सारे जो मसल्स हैं ये सारे प्रोटीन से बनी हैं, हमारे सारे जो और भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, एंजाइम्स का प्रोडक्शन हो रहा है, जितने सारे केमिकल्स फॉर्म हो रहे हैं हमारे इस बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इन सबका प्रोडक्शन क्या हुआ, क्योंकि लिविंग बॉडी सिंथेसिस प्रोडक्शन होता है हमें पता है, और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस करना एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में ही होगा, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो बायोसिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन, ताकि जो ये बॉडी है वो सर्वाइव कर सके, ये सारा प्रोसेस होने के लिए तो एनर्जी चाहिए। तो कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस जो बायोसिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, तो वो ये प्रोसेसेस बहुत नेसेसरी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाने में, ठीक है। तो उन सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन, दो सब्सटेंसेस आर सेड टू बी न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है, पर इस चार्ट में देख लेते हैं एनर्जी सोर्स के बेसिस पर, ठीक है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, एनर्जी सोर्स होगा इलेक्ट्रॉन सोर्स होगा या फिर कार्बन सोर्स होगा, उसके बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे कि मैं सारी डेफिनेशन हम अपने आप इसे ब्रेक करके बनाएंगे कि कैसे क्या क्या इनका मीनिंग है, हर एक की डिफरेंट डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। तो एनर्जी सोर्स के बेसिस पर हमने दो में डिवाइड किया, अगर एनर्जी लाइट होगी तो हम कहेंगे फोटोट्रॉफ्स, ठीक है, अगर एनर्जी सोर्स आपका केमिकल होगा होगा तो हम कहेंगे कीमोट्रॉफ्स। अब बात करते हैं फोटोट्रॉफ्स की, तो फोटोट्रॉफ्स में, ठीक है, फोटो केम का हेटरोट्रॉफ्स हो गए, फोटो ऑटोट्रॉफ्स हो गए। तो हमने कैसे डिस्टिंक्शन किया, ऑटोट्रॉफ याद रखना, जब भी ऑटोट्रॉफ लगाओ मतलब जो कार्बन का सोर्स है वो इनऑर्गेनिक है, यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ कार्बन की तरह यूज नहीं किया गया। तो इन्होंने क्या किया, एज अ CO2 को यूज़ किया जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, तो इनऑर्गेनिक में है सब्सटेंस, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट है। और हाइड्रोट्रॉफ्स यानी जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड से को कंज्यूम करके कार्बन लेंगे उसमें से, ठीक है, तो आपके ऑर्गेनिक हो गए, जो कार्बन सोर्स होता है वो हाइड्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक।
अब फोटोटोट्रॉप्स में भी, और फोटो तो हमें पता है कि लाइट एनर्जी को यूज़ करा तो इसलिए हमने फोटो का, ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फोटो हेटरोट्रॉप्स को डिफाइन करूँ तो फोटो हेटरोट्रॉप्स फोटो यानी लाइट एनर्जी को यूज़ करेंगे एज एनर्जी सोर्स, लाइट यूज़ करेंगे, और हेटरोट्रॉप्स यानी कार्बन का सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। फोटो ऑटोट्रॉप्स दे यूज दोज बैक्टीरिया विच यूजेज लाइट एनर्जी एज एज एनर्जी सोर्स, एंड ऑटोट्रॉफिक एंड दोज यू हु यूज अनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक CO2 एज अ कार्बन सोर्स, ठीक है। तो इसी तरह डिफाइन करना है हमें जब भी आपका, और अगर कीमो लगा हो इनके आगे तो मतलब एनर्जी सोर्स क्या है, केमिकल है, ठीक है। और अब फोटोट्रॉप्स को डिवाइड करते हैं ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक में। अब हम जल्दी से ले लेते हैं कि ये फोटोट्रॉप्स है तो ऑक्सीजन को यूज़ कर ही जाएंगे, बिकॉज हम सबसे जल्दी वैसे प्लांट्स का एग्जाम्पल सोचते हैं और उससे सबको डिफाइन कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्लांट्स ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, इसलिए ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे सारे बैक्टीरिया करेंगे, कुछ एलगी करेंगे और प्लांट्स करेंगे, ठीक है। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो खुद खाना बना रहे हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक है, किसी को कंज्यूम नहीं कर रहे कार्बन सोर्स किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है, और लाइट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट जो आपका ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं, ये H2O को यूज़ कर रहे हैं, तो H2O से H लो हाइड्रोजन सोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, और ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जो यूज़ करेंगे वो ऑक्सीजनिक, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये एनारोबिक है तो ये H2S यूज़ कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सोर्स तो मिल गया, तो अब ये CO2 को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, सल्फर। तो डेट्स वाई दे आर ग्रीन सल्फर एंड ग्रीन देर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, यहाँ पर सल्फर नहीं लिखा है बट ये सल्फर बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आपके किसके अंदर आएंगे, फोटोट्रॉप्स के अंदर, तो एनारोबिक हैं यानी, ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। अब हम बात करते हैं फोटोहेटोट्रॉप्स की। जो फोटोहेटोट्रॉप्स हैं उसके अंदर क्या है कि आपका ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका कीमोट्रॉप्स की। कीमोट्रॉप्स दो में होंगे, कीमोहेटोट्रॉप्स एंड कीमोऑटोट्रॉप्स। सेम बात, लाइट एनर्जी एज ए केमिकल यूज़ करेंगे, और हेटोट्रॉप्स यानी आपका कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो वरना आपके ऑटोट्रॉप्स यानी कार्बन सोर्स इनऑर्गेनिक है, जैसे CO2, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑर्गेनिक कंपा, अभी पहले हम बात करते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, जैसे ज़्यादातर सारे एनिमल्स, ज़्यादातर फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया में मिल जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है ना। और जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, या फिर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें हम क्या टर्म यूज़ करते हैं आपका, लिथोट्रॉफ, ठीक है, लिथोट्रॉफ टर्म यूज़ करते हैं। तो दे कैन भी फोटो और दे कैन भी कीमो, ठीक है, दे कैन भी कीमो लिथोट्रॉफ, ठीक है। और जिनमें आपका ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो हम उसमें क्या कहेंगे, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें ऑर्गेनोट्रॉफ, और जिसमें केमिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसे कहते हैं आपका लिथोट्रॉफ, ठीक। तो स्ट्रेप्टोकोकस आपका जिसमें आपका ऑर्गेनोट्रॉफ में आ गया, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ में आपका लाइट एनर्जी सॉरी जो आपका एनर्जी सोर्स है वो आपका केमिकल है, ठीक है, और आपका कीमो लिथोट्रॉफ में कौन सा आ गया, जैसे क्लॉस्ट्रिडियम आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक की, तो देखो इवन कीमो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, ये नहीं है कि जो जो भी आपके ऑटोट्रॉफिक है जो खाना बना रहा है वो सिर्फ लाइट एनर्जी यूज़ करके बना रहा है। हम वही वाली बात, हम सिर्फ प्लांट्स को याद कर लेते हैं इस मोमेंट पे, बट सिर्फ प्लांट्स, क्योंकि हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं ना, तो ये केमिकल का यूज़ करके भी एनर्जी यूज़ कर सकते हैं एज अ केमिकल, और स्टिल अपना खुद का खाना फॉर्म कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ठीक है, आपका कार्बन मोनोक्साइड को यूज़ कर लेते हैं CO2 में रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस CO2, ठीक है। तो ये आपके उसके बेसिस पर हमने डिफाइन कर दिया। एक बार क्विक लेते हैं सर्टेन टर्म्स का, तो जैसे आपका एनर्जी के बेसिस पे फोटोट्रॉप्स कौन से होंगे, जिसमें आपका एनर्जी सोर्स लाइट यूज होगा, ठीक है,
कीमोट्रॉफ जिसमें एनर्जी सोर्स एज अ केमिकल यूज होगा, ठीक है, और लिथोट्रॉफ जिनके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इलेक्ट्रॉन सोर्स जो होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो सोर्स होगा वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और उसे हम लिथोट्रॉफ कहेंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन सोर्स आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, उसमें आपका ऑर्गेनोट्रॉफ कहेंगे उसे हम, ठीक। अब इस बेसिस पे हमने ये फोर मैंने डिवाइड कर दिया, फोटोलिथोट्रॉफ, कीमोलिथोट्रॉफ, फोटोऑर्गेनोट्रॉफ और कीमोऑर्गेनोट्रॉफ, ठीक है। अब हमने इवन बाय डेफिनेशन में सारी बात पता है, हमें इसे एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं, मेन क्या है इनके एग्जांपल्स की नॉलेज हो हमें कि कौन से एग्जांपल किसके अंदर आएंगे। तो फोटोलिथोट्रॉफ में आपका क्रोमेटियम ओकेनाई एग्जाम्पल आएगा, फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ में आपका आएगा रोडोस्पैरिलम, ठीक है, कीमोलिथोट्रॉफ में आपका एग्जाम्पल आएगा नाइट्रोसोमोनास, ठीक, और कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ में आपका एग्जाम्पल आएगा सुडोमोनास सुडोफ्लोरा, क्लियर। फिर बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक की, इसके हमें डेफिनेशन पता ही है, कार्बन सोर्स इनऑर्गेनिक है, कार्बन सोर्स हेटरोट्रॉफिक में ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो आपके अब फोटोटोट्रॉफिक की बात करते हैं, फोटोटोट्रॉफिक कौन से, जैसे हमने ऊपर देखा था जहाँ पे प्लांट्स थे ऑक्सीजेनिक एंड अनऑक्सीजेनिक, तो यहाँ पे प्लांट्स आ गए, आपके सन बैक्टीरिया आ गया है ना, और आपके सर्टेन एल्गी आ गए, ठीक है, और जो कि आपकी जो एनऑक्सीजेनिक है उसके अंदर आपके आ गए थे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो वहाँ पे एग्जाम्पल है क्रोमेटियम थायो स्पैरिलम, जबकि जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया वहाँ पे कौन सा है, क्लोरोबियम लिमिकोला, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफ्स की बात करेंगे तो हमें पता है कि ऑटोट्रॉफ्स यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से आपका कार्बन सोर्स यूज करेंगे, ठीक है, और केमिकल ही है तो आपका नेचर से ही आपका एटमॉस्फेयर से ही केमिकल यूज करेंगे, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी केमिकल ही नहीं कि सिर्फ आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिया जाएगा, ठीक है, जहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड आया वहाँ पे आपका हेटरोट्रॉफ हो जाएगा। तो हमने इसमें हमने कई सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं, है ना, देखो केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया में थायोबैसिलस एनबैक्यूटा, हाइड्रोजन बैक्टीरिया में आपका आएगा हाइड्रोजनोमोनास एनबैसिलस पेंटोट्रोपस, आयरन बैक्टीरिया में थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस एंड लेप्टोथ्रिक्स, और आपका मीथेन बैक्टीरिया होंगे, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होंगे, है ना, सारे आपके ऑटोट्रॉफिक हैं, बस केमिकल को यूज़ करके केमिकल का एनर्जी सोर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन बैक्टीरिया की ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करेंगे CO2 में, ठीक है, इसका यूज़ करके फूड फॉर्म कर रहे हैं, जैसे बैसिलस ऑलिगो कार्बोफिलस एंड ऑलिगो ट्रोपा कार्बोक्सीडेंस कार्बोक्सीडोबोरेंस। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में हमें पता है आपके फोटो हेटरोट्रॉफ्स होंगे, कीमो हेटरोट्रॉफ्स होंगे, एक्सप्लेन हम इजीली कर सकते हैं, इस पर हम टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है, एग्जांपल्स पे फोकस करते हैं। हमें पता है फोटो आपके फोटो हेटरोट्रॉफ्स में, ठीक है, आपका पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया था और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया था, ठीक है, तो इसमें आपके एग्जाम्पल रोडोस्पैरिलम रोडोमैक्रोबियम एंड कीमो हेटरोट्रॉफ्स में हमने आपका इन्हें तीन में डिवाइड किया बिकॉज केमिकल को यूज़ करेंगे और हाइड्रोट्रॉफ से मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहाँ से लेंगे केमिकल, कार्बोहाइड्रेट्स इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से, कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स प्रोटीन्स, ठीक है। तो हमने इन्हें थ्री मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, सेप्रोफाइटिक जो डेड एंड डिकिंग कंपाउंड पे आपका एंजाइम सिक्रीट करेंगे और वहाँ से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उन्हें डिजोल्व करके सिंपल सोल्यूबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे देन एब्जॉर्ब कर लेंगे। पैरासाइटिक में तो होस्ट सेल के अंदर रहेंगे, वहाँ से न्यूट्रिशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। सिम्बायटिक के अंदर आकर सिम्बायटिक एसोसिएशन में रहेंगे, जैसे साइकस है, साइकस के अंदर कोलोइड रूट्स हैं, तो उस उन कोलोइड रूट्स के अंदर कौन रह रहा है, साइनोबैक्टीरिया रह रहा है, ठीक है, वो प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन ले रहा है और प्लांट्स को रिटर्न में कुछ दे भी रहा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करवा रहा है, ठीक है, हार्म नहीं कर रहा है, जैसे म्यूचुअलिज्म होता है, म्यूचुअलिज्म में दोनों बेनिफिट होते हैं,
ठीक है। सिम्बायोटिक में क्या होता है, एक बेनिफिट होगा और दूसरा बेनिफिट भी हो सकता है, या फिर उसे कोई फर्क, जरूरी नहीं कि वो बेनिफिट हो बट वो हार्म नहीं होगा, समझ रहे हो, हार्म जिसमें होगा पैरासाइटिक होएगा। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं आपका, सेप्रोफाइटिक में एग्जांपल्स दे रखे हैं एसिडोबैक्टर, बेसिलस माइकोडीज, माइकोइड्स, बेसिलस रेमोसस, ठीक है। एंड पैरासाइटिक में आपका आ गया बेसिलस एंथ्रासिस, बेसिलस टिटनाई, ठीक है, बेसिलस निमोनिया, विब्रियो, कॉलरे, क्लोरे, ठीक है, जो कॉलरा कॉज करता है। सिम्बायोटिक में हम देखेंगे, हमें पता है कोलोसल डीएमए नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं सारे, राइजोबियम हो गया आपका, बेसिलस एजोटोबैक्टर हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके बात कर लिया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बैक्टीरिया सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। क्लियर, थैंक यू।